एक ऐसा स्पेशल डीएनए है हमारे शरीर के अंदर जो केवल और केवल हमारी माता से ही हमारे शरीर के अंदर आता है। ये स्पेशल डीएनए हमारे न्यूक्लियर डीएनए से बहुत ज्यादा अलग होता है। बहुत सारी बीमारियां केवल इस स्पेशल किस्म के जेनेटिक्स से ही हमें हो जाती है। और ये जेनेटिक्स मनुष्य की है ही नहीं, ये कोई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो मनुष्य हजारों हजारों सालों से अपने शरीर के अंदर ढो रहा है। जानता हूँ आप कन्फ्यूज हो गए होंगे, आपको पूरी बात बताते हैं कि ये स्पेशल डीएनए हमारे शरीर के अंदर आ कहाँ से गया है। तो चलिए जानना शुरू करते हैं। ऐसा माना जाता है कि हजारों हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने किन्हीं कारणों से एक स्पेशल किस्म के बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लिया था, या कहिए बैक्टीरिया के भी एंसेस्टर्स को। ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में पच भी नहीं पाया और हमारे सेल के अंदर जाकर माइटोकॉन्ड्रिया का रूप ले लिया। इस बात का अंदेशा तब लगाया गया जब ये देखा गया कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल था जो कि एक सर्कुलर डीएनए के रूप में था। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना राइबोसोम भी था जो खुद ही प्रोटीन बना सकता था, और ये प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फंक्शन भी करता था। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्पेशल किस्म का डीएनए सर्कुलर डीएनए के रूप में पाया जाता है। डबल स्टैंड होता है ये भी, और ये हैप्लॉयड होता है, मतलब इसमें दो पक्षों का जेनेटिक्स नहीं होता है, केवल माता पक्ष का ही जेनेटिक्स होता है। जब एक स्त्री का एग और पुरुष का स्पर्म आपस में मिलते हैं तो होता यह है कि पुरुष का स्पर्म तो आकार में बहुत छोटा होता है, बहुत ज्यादा छोटा। जितनी भी माइटोकॉन्ड्रिया पुरुष के स्पर्म में होती है वो इस स्पर्म के टेल को मूवमेंट कराने के चक्कर में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जब तक स्पर्म एग में घुसकर अपना जेनेटिक्स एग के साथ मिलाता है तब तक पुरुष के स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रिया पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं। केवल और केवल महिला के एग में मौजूद जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वही मौजूद रहती है एग को एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए। इसीलिए जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर माँ का ये स्पेशल माइटोकॉन्ड्रिया वाला डीएनए होता ही होता है, भले से ही पिता का हो चाहे ना हो। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन बैक्टीरिया से है, इसीलिए ये हमारे शरीर में एंडोसिम्बायोसिस के प्रोसेस के तहत जिंदा रहते हैं। शरीर इनको पोषण देता है और ये शरीर को ऊर्जा देते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के अंदर कुल 37 जेनेटिक्स पाई जाती हैं, जिसमें से 22 टीआरएनए, 2 आरआरएनए और 13 पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण करने वाले जीन्स मौजूद होते हैं। और ये सभी जो प्रोटीन बनता है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन पर पाए जाने वाले प्रोटीन का सिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है। ये सारे प्रोटीन एटीपी सिंथेस में मदद करते हैं जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। आपको बता दें कि अगर हमारे माता पक्ष में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी होगी और वो बीमारी वाली जेनेटिक्स माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के थ्रू अगर फर्टिलाइज होने वाले एग में बहुत ज्यादा है तो इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपको भी वो जेनेटिक बीमारी जरूर होगी। जेनेटिक्स अपना फिनोटाइप जरूर दिखाएगा। उदाहरण के लिए आपको बता दें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो जेनेटिक्स थी वो हम सभी के अंदर इस माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के अंदर निहित है, यानी हम सभी मातृपक्ष से किसी न किसी रूप से इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़े हुए हैं। ये बात माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के स्टडी से सामने आया है। भले ही हमारा वाई हैप्लोग्रुप कोई सा भी क्यों ना हो, लेकिन हम सभी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के थ्रू इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये एक हैप्लॉयड डीएनए है। इसीलिए इनमें म्यूटेशन भी बहुत तेजी से होता है, यानी समय के साथ इन डीएनए में बहुत तेजी से बदलाव भी देखने को मिलता है, जिससे कुछ लोगों में बहुत ही जल्दी बुढ़ापा और तरह तरह की बीमारियां भी देखने को मिलती है। ये हमारे न्यूक्लियर डीएनए से 10 गुना ज्यादा तेजी से म्यूटेट हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको छोटे से वीडियो में बता पाने में सक्षम हो पाया हूं। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।